वेलकम वेगाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिंघम अगेन मूवी के डे 11, मेरा मतलब है कि सेकेंड मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के दिन मूवी कितना बॉक्स ऑफिस पे कर रही है कलेक्शन, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे जो है अब तक रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है या नहीं, और क्या ये मूवी अब तक जो है कि ब्लॉकबस्टर हुई या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आज के दिन का जो कलेक्शन है मूवी का काफी सरप्राइजिंग कलेक्शन है और काफी बढ़िया कलेक्शन करते हुए आज के दिन नजर आ रही है। हालांकि मूवी को सेकेंड मंडे है आज, लेकिन आज के दिन ही मूवी अपना दम नहीं तोड़ रही है और एक स्ट्रांग होल्ड दिखाती हुई आज के दिन मूवी फिर से जो है कि बढ़ चढ़ के कलेक्शन कर रही है। दोस्तों मूवी का कलेक्शन 206 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है इंडिया नेट पर। जी हाँ दोस्तों, इन 10 दिनों के अंदर मूवी का बजट 300 करोड़ है। दोस्तों बात करें मूवी के बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बर्ड बैडली मूवी का कलेक्शन 312 करोड़ हो चुका है आज तक। और वहीं दोस्तों बात करें आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी आज के दिन 7 करोड़ इंडिया से नेट और बर्ड बैडली जो है कि 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है, जिसके साथ ही मूवी का जो बॉक्स ऑफिस पे इंडिया नेट कलेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 213 करोड़, और वहीं बर्ड बैडली जो है कि हो चुका होगा 322 करोड़। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मूवी का बजट 300 करोड़ है तो मूवी अपना बजट रिकवर कर चुकी है ऑलरेडी। जी हाँ दोस्तों, और आगे आने वाले वीकेंड में मूवी जो है कि 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है कि मुझे लगता है कि ये जो मूवी है अपने लाइफ टाइम में 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से कर जाएगी, क्योंकि सलमान खान और अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना, और साथ ही साथ चुलबुल पांडे, हमारे बॉलीवुड के भाई सलमान खान जैसे बेहतरीन अभिनेता एक साथ जब दिखते हैं भाई बॉलीवुड में, तो कोई भी मूवी से मतलब कोई भी ओवरस्टेकल, मेरा मतलब है कि कोई भी उसे ब्रेकर रोक नहीं सकता हिट बनाने से, और ये जो मूवी है वो हिट तो बन ही जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरा अजम्पशन है कि ये मूवी जो है कि 500 करोड़ ही कर पाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन भी कर पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी से मिलते ही रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल सके टाइम टू टाइम। थैंक यू गाइस।